हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अदानी पोर्ट के बारे में। जी, अदानी ग्रुप के बाकी सारे स्टॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एंड अदानी पावर, आप आई बटन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अब आप डिस्कस करते हैं अदानी ग्रुप के सबसे पॉपुलर एंड पार्ट ऑफ निफ्टी 50 जो है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अगर कंपनी के बिजनेस को बहुत ही शॉर्ट में देखें तो ये पोर्ट डेवलपमेंट, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। इनके पास ऑलमोस्ट 10 बड़े बड़े पोर्ट है इन इंडिया जिनको ये डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस करते हैं, जो कि गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु एंड गोवा में लोकेटेड है। ये है इनका बिजनेस। अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स को देखें तो मार्केट कैप 178,498 करोड़ है। हम सभी जानते हैं, जस्ट लाइक ऑल अदर अदानी ग्रुप कंपनी, ये स्टॉक भी अपने लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका लाइफ 52 वीक हाई है 899, 52 वीक लो 298। यह ऑलमोस्ट 3 times बढ़ गया है फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो। करेंट प्राइस 874। स्टॉक का पी 35.7। किसी भी स्टॉक का पी अगर 30 से ऊपर हो थोड़ा एक्सपेंसिव कहेंगे, लेकिन ये स्टॉक विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत बढ़ गया, तो इसके साथ साथ पी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट अगर ROC एंड ROE देखें तो उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है। एवरेज ROC एंड ROE 20% के ऊपर हो तो उसे हम अच्छा कह सकते हैं, बिलो 20% इज नॉट गुड। बट बैंक एंड फिनेंशियल के मामले में अगर वो सिंगल डिजिट भी ROCE एंड ROE शो करते हैं उसे भी हम खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि बैंक एंड फिनेंशियल का बिजनेस अलग होता है। नाउ ROCE 14.3 एंड ROE 17.7 इज एवरेज। अगर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स एनालिसिस करें तो इनका कोई पीयर्स नहीं है, क्योंकि इनका जो काम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड बहुत सारी मिसलेनियस थिंग्स। सो ये अपने सेगमेंट में एक मोनोपोली कंपनी है, ऐसा हम कह के चल सकते हैं। अगर रिजल्ट को एनालाइज करें तो दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में बिजनेस के जो सेल्स से है थोड़ा बहुत गिरावट हम देख सकते हैं, लेकिन सेप्टेम्बर टू दिसंबर क्वार्टर में बहुत अच्छा जंप कंपनी ने दिखाया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा गिरा है फ्रॉम दिसंबर टू मार्च क्वार्टर। नेट प्रॉफिट को देखें सो 1,561 करोड़ से 1,288 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी गिरा है। शायद कोविड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस, बट स्टॉक प्राइस जिस तरह से बढ़ा है इसने अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को एनालिसिस करें तो सेल्स 11,873 करोड़ से 12,555 करोड़ कंपनी ने शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ से 8,684 करोड़ हो गया है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस घटा है। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट शानदार है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो 3,763 करोड़ से ऑलमोस्ट 5,000 तक चला गया है। कंपनी का जो अदर इनकम है वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कंपेयरिंग टू दैट प्रॉफिट बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को घटाया है। तो किसी भी कंपनी के रिजल्ट में अगर एक्सपेंसेस घटता है एंड उस कारण से प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे हम बहुत ही एट्रैक्टिव कहेंगे। नाउ कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 12% है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स का 12%। स्टॉक का CAGR प्राइस ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 34%, 3 ईयर्स में 32% एंड 1 ईयर में 153%। सो CAGR ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। 10 साल का भी अगर देखें तो 19%। सो 20% का एवरेज रिटर्न अगर ये स्टॉक देता है सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपको फिक्स डिपोजिट से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है फ्रॉम अ स्टॉक। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 17-20% के बीच कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेंटेन किया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईयर ऑन ईयर अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखें तो वो मोर एंड सेम है। जितना प्रॉफिट बढ़ाए उतना कैश फ्लो नहीं बढ़ाए, हालांकि 7,402 करोड़ से 7,556 करोड़ है तो उसे हम डिसेंट कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अदानी ग्रुप के हर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम जानते हैं अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन जो बड़े कंपनी है जो कि 10-12% बढ़ गए हैं इन द वन ईयर, उनके प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% है एंड बाकी जो है वो DIFIs के पास है एंड पब्लिक होल्डिंग 3-4% के बीच है। इस कंपनी में भी ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि DII होल्डिंग इसमें ज़्यादा है कंपेयरिंग टू अदर टू कंपनीज। ना प्रोमोटर्स होल्डिंग 63.74% एंड DIFI होल्डिंग अगर हम कंबाइन करें सो वो भी ऑलमोस्ट 32-33% के ऊपर है एंड पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 3.46%। सो अगर DIFI होल्डिंग ज़्यादा है वो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, लेकिन किसी भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग घटना जिस तरह से खराब होता है वहीं पे पब्लिक होल्डिंग का इतना कम होना प्रॉब्लमेटिक होता है। हालांकि ये निफ्टी स्टॉक है, इसमें हम लोअर सर्किट अपर सर्किट उतना नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक होल्डिंग इतना कम है, अगर किसी भी कारण स्टॉक गिरता है सो लोअर सर्किट इतनी जल्दी लगेंगे कि लोग इससे एग्जिट नहीं हो पाएंगे। हालांकि इस कंपनी के लिए ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट है एंड अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइज के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये दो स्टॉक बहुत वोलेटाइल है कंपेयर टू अदानी पोर्ट। हालांकि DIFI का 33% होल्डिंग इज़ वेरी कॉन्फिडेंस
बूस्टिंग मैटर। सो ये था अदानी एंटरप्राइज के बारे में, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी पोर्ट के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस। इस स्टॉक में हमने सिर्फ अदानी पोर्ट को ही डिटेल्स एनालिसिस किया है। अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉट एट दैट मोमेंट, क्योंकि सारे स्टॉक बहुत बढ़ चुके हैं। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट हो या फिर अदानी गैस या फिर अदानी एंटरप्राइज, सो लेट द स्टॉक डाउन। ये 700 के करीब अगर मिलता है भी किसी भी कारण, दैट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए, मिनिमम 5 साल के लिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। सो अगर आप ये स्टॉक इन फ्यूचर बहुत गिर जाता है, सो फिर से इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लगे, हालांकि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू दैट लास्ट 1 ईयर में स्टॉक बहुत बढ़ गया है। सो 600 इज अ गुड, 700 इज अ गुड पॉइंट टू एंट्री, नॉट 899। हालांकि ये स्टॉक यहाँ से भी 1100 1200 तक जा सकता है, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, जिनका वैल्यूएशन डिसेंट है, लाइक L&T, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को ले लीजिए, या फिर आप किसी पेंट कंपनी के स्टॉक को ही ले लीजिए, या फिर सीमेंट। कंपेयरिंग टू दिस कंपनी उसका वैल्यूएशन हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन।